नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुफियान अली खान। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल सुफियान इंटरनेट ऐप। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप अपना जो है कि बीज अनुदान कैसे लें, बीज अनुदान का उसका जो ऑनलाइन उसको आवेदन कैसे करें। तो सबसे पहले आपको आ जाना है अपने ब्राउजर में। ब्राउजर में आने के बाद आपको ओपन करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको लिखना है डीबीटी एग्रीकल्चर, डीबीटी एग्री। जैसे लिखते हैं तो ये आपको डीबीटी एग्रीकल्चर का वेबसाइट पे आ जाइएगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको करना होगा बस इतना सा काम कि आपको यहाँ पे देखिए वेबसाइट ओपन हो रहा है। फिलहाल हम यहाँ पे ये डीबीटी एग्रीकल्चर का वेबसाइट ओपन हो गया जो कि है dbtagriculture.bihar.gov.in। ये बिहार सरकार का है। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद देखिए हम आ चुके हैं डीबीटी के होम पेज पे। यहाँ पे आने के बाद आपको आ जाना है नीचे। नीचे आने के बाद आपको देखिएगा यहाँ पे दिख रहा होगा बीज अनुदान आवेदन, तो इसमें क्लिक कर लेना आपको। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको देखिए ये एक न्यू पेज आ जाएगा। इसमें है आप बीज का प्रयोग खेती के अलावा किसी अन्य प्रयोग में इस्तेमाल नहीं करूँगा, एक हो गया। दूसरा, यहाँ फसल अवशेषण का नहीं जलाऊंगा, मतलब जो भी फसल आपका उसको जलाना नहीं है, उसका जो अवकाश बचा हुआ। तीसरा, मांग की गए बीज का उठाव नहीं करने पर कृषि विभाग को की योजना के लाभ हेतु अगले 3 वर्षों में वांछित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो जितना बीज के लिए आप अनुदान कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर नहीं आप ऑनलाइन करते हैं और नहीं लेते हैं तो फिर आपको 3 साल के लिए यहाँ पे बंद कर दे। उसके बाद आके नीचे आ जाना है NFSM, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आ जाते हैं आप नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद देखिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए उड़द मूँग है, उड़द है, मूँग है, 25 केजी मूंग है। यहाँ पर प्रति बीज की सीमा है 32 किलो है, 118 रुपये पर केजी के दर से दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए मूंग का रेट है, सारे चीज़ का रेट यहाँ पर दिया गया आपको। यहाँ से फिर आपको आ जाना है, नीचे आइएगा, देखिएगा आपको यहाँ पर दिया होगा मूंग है, शंकर मक्का है, तो जो भी है उस पर आवेदन के लिए यहाँ पर अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको देखिए गर्मा 2022, यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना और सर्च कर लेना। तो रजिस्ट्रेशन नंबर फिलहाल हम अपना निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के लिए मैंने पहले ही बताया था। तो यहाँ पे डालने के बाद देखिए हम डाल लेते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल लेना है। तो फिलहाल अपना आधार नंबर हम डाल लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पे सर्च कर लेंगे। तो सर्च किए हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आया यहाँ पर डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पर सर्च कर लेना। जैसे सर्च करते हैं तो आपको पूरा डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा, आपका नेम, पंचायत, आपको कौन से कैटेगरी से, मोबाइल नंबर इत्यादि, कौन से बैंक में सबसे भी। उसके बाद आपको यहाँ पर होम डिलीवरी के लिए दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, कितना चाहिए। तो यहाँ पर 10 केजी, 5 केजी। उसके बाद यहाँ पर सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपका जो भी आप यहाँ पर देखिए एक प्रिंट आउट दिया जाएगा, मूंग के लिए टोटल कितना का आप आवेदन किए, उस प्रिंट आउट को प्रिंट करके आपको रख लेना है। और उस समय आपको मतलब कि आप जब भी इसका जो है बीज से रिलेटेड दुकान है, जो भी सरकार के अधीन में दुकान चल रहा है वहाँ पे जाके इसको देना है। वहाँ से आपको ये जो भी है बीज मिल जाएगा, वहाँ से मूंग है या फिर जो भी मक्का है। तो इसमें आप तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है, तो आपको मैं पहले ही दिखा दिया हूँ। इसमें टोटल जो है 6-7 जो है कि रबी के जो भी फसल है वो टोटल इसमें 6-7 है। तो आप 6-7 फसल को यहाँ से ले सकते हो, ऑनलाइन आवेदन करके बीज का ले सकते हैं। इस पर आपको सब्सिडी मिलता है। तो इसमें देखिए 10 वर्षों से कम प्रमाणित बीज की वितरण क्रम संख्या 10 वर्षों से कम, यहाँ पे उड़द है, उड़द दाल जो होता, फिर यहाँ मूंग है, मूंग है, उड़द है, शंकर मक्का है, शंकर मक्का है, शंकर मक्का है, मूंग है, मूंग है, जूट है, जूट भी होता है मूंग, बाकी यहाँ पे गेहूँ के लिए नहीं दिया गया है। तो आप यहाँ से बड़े आसानी के साथ अपना जो कि आवेदन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।